मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। प्रद्युमन की रिलीजियस ओसीडी हो चुकी है गायब, बाकी बचा है एक ट्रिगर, उसे भी कवर कर ही लेते हैं। तो एक ट्रिगर मैं यहां पर ड्रॉ करूंगा, उसमें क्या क्या आएगा, कैसे कैसे फाइट करनी है, वो सभी प्रद्युमन जी बताते जाएंगे। तो ये है आपका बोर्ड पर लास्ट सेशन, उसके बाद हम कैथारसिस करेंगे और फिर रहेगी थेरेपी बाहर वाली, मंदिर में जाएंगे और चुरास्ते पर, ठीक है। तो सबसे पहले आपने लिख देना है गीता थेरेपी फॉर रिलीजियस ओसीडी, तो सबसे पहले क्या लिखा था हमने, ट्रिगर ए, फिर सी और अंत में डी। डी ए में क्या लिखा था, ट्रिगर, ट्रिगर, और बी में क्या लिखा था, बी में क्या है, जिससे डर, हाँ हाँ बोलो, में है सर वो तो डर, तो हाँ वो अनुमानित डर तो सी में आएगा, प्रेजेंट में जो कुछ हो जाएगा, हाँ प्रेजेंट में जो कुछ होने का विचार आता है, हाँ फ्यूचर में कुछ हो जाएगा वो फ्यूचर में होता है, फ्यूचर का डर, फ्यूचर का डर तो आएगा सी में जी सर, और बी में क्या अनुमान होना, बी में है, बी में कुछ होने का अनुमान होना, अनुमान होना भी सी में आता है, बी में आता है कोई भी विचार जैसे शक वहम, ए में आता है ट्रिगर, सर वही है किसी की सर और पूछ नहीं होती तो इनमें भी मैं बताने में उलझ रहा हूँ कि किस चीज से डरता हूँ, हाँ कोई बात नहीं, ए में आता है ट्रिगर और डर पता है बस मुझे तो सर, कोई बात नहीं, बी में आता है ओशेशन वहम लगना, जो लगता है शक विचार फंसना, जो विचार आता है ना मन में जी सर वो बी में आता है, विचार अटकना या लगना जो भी है, और सी में आता है अनुमानित डर, अनुमानित डर खतरा या नुकसान, ठीक है। ट्रिगर हम अभी क्या ले रहे हैं, चौराहे पर नहीं जाना, हाँ चौराहे, चौराहा लिख देते हैं, ठीक है चौराहा ट्रिगर है, ओके। जैसे ही आप चौराहे पर जाते हो तो विचार क्या आते हैं, चौराहे पे वो टोना टूटका कर रखा होता है, हाँ तो लगता है जब मैं वापिस आऊंगा तो मेरे पास कोई है बहुत चिपक जाएगा सर, वो चिपक जाएगा वो तो खतरा है, लेकिन उस समय विचार क्या आता है, सर मैं बीमार हो जाऊंगा ऐसा कुछ आता है, हाँ उस समय बीमारी व भूत का विचार आना, ठीक है भूत मेरा का बुरा आगे बुरा हो जाएगा मतलब कल तो ने, हाँ भूत का विचार आना, ठीक है विचार कोई भी आता वो यहाँ लिख लोगे जी सर, और उससे खतरा क्या महसूस होता है कि भूत चिपक जाएगा, घर आ जाऊंगा मेरा बैड लक शुरू हो जाएगा, हाँ वो बाबा ने कुछ कर रखा होगा तो मेरा बीमार हो जाऊंगा मैं, बैड लक, हाँ बैड लक, काम नहीं बनेगा मैं, मेरे कुछ अंदर बीमारी हो जाएगी, हाँ बीमार हो जाऊंगा, ठीक है। ये आता है, ठीक है ये आप समझ गए जी, और फिर सबसे पहले ट्रिगर कि आप चौराहे के पास से निकले या चौराहे पर गए, उस समय विचार आता है बीमारी वाला भूत वाला या कोई भी विचार मन में आता है, और वो विचार फंस ही जाता है अटक ही जाता है, और उसी विचार के कारण फिर फ्यूचर में कुछ खतरा महसूस होता है कि भविष्य में कुछ हो जाएगा, बीमार हो जाऊंगा, फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, भूत चिपक जाएगा, कुछ ना कुछ नुकसान या डर का विचार फ्यूचर से रिलेटेड आता है कि अभी कुछ हुआ नहीं है हो जाएगा, क्या समझे, हो जाएगा, हाँ फ्यूचर में होगा अभी हुआ नहीं है, तो जैसे ही फ्यूचर का डर हावी होता है
तो मन सॉल्यूशन देना आरंभ कर देता है, सॉल्यूशन मन देता है, लेकिन वो सॉल्यूशन ही बीमारी है। ओसीडी के अंदर ऐसा होता है, सॉल्यूशन ही बीमारी बन जाता है, सॉल्यूशन बिकम ए प्रॉब्लम। जो मन ने सॉल्यूशन दिया वही प्रॉब्लम है, मन जो सॉल्यूशन देगा वो प्रॉब्लम बन के खड़ा हो जाएगा। ओसीडी के अंदर ये खास रहता है। ओसीडी हमेशा जिंदा इसी कारण से रहती है कि हमें सॉल्यूशन में, प्रॉब्लम में सॉल्यूशन नजर आती है और सॉल्यूशन प्रॉब्लम बन जाता है, इसी कारण से ओसीडी ठीक नहीं होती। तो पहला सॉल्यूशन ओसीडी देती है डूइंग की, कुछ करो, करना। और दूसरा रहता है अवॉइड, बचना। जैसे ही आपको डर आया फ्यूचर का कि भूत चिपक जाएंगे, बीमार हो जाऊंगा, तो आप फिर सही होने के लिए क्या करते हैं कि क्या करना चाहिए जिससे आप बीमार ना हो? उधर से जाता ही नहीं मैं। वो अवॉइडेंस है फिर, वो तो आपकी रहती रहती है, अवॉइड तो करते हो, लेकिन बचना ही फंसना है, ये याद रखना, और करना ही मरना है। चौराहे से दूर रहना, ये तो अवॉइडेंस है, लेकिन मान लो चौराहे के पास से निकल भी गए तब क्या करना पड़ेगा? साइड से जाता हूँ सर। हाँ, साइड से जाते हो, वो अवॉइड करते हो ना उसे, लेकिन बीच से निकल भी गए तब क्या करते हो? कुछ नहीं, बस अब तो सीधा घर चला जाता हूँ। हाँ, कोई अवॉइडेंस होता है, कुछ माफी मांगना, कुछ बोलना? ये इसमें नहीं होता सर, वो तो ब्रिजी सोसाइटी में होता था। हाँ, तो देखिए इसमें डूइंग कुछ लोगों के लिए होता भी है, कुछ लोग वहां पर कोई मन्नत मांग लेते हैं कि भगवान ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, या कोई चढ़ावा चढ़ा देते हैं, या धोख दे देते हैं, या कोई प्रार्थना बोल देते हैं, या कुछ ना कुछ जो कंपल्शन मेंटल या फिजिकल होता है वो इसमें आता है। मेरा तो बस यही है कि उसके पास जाना ही नहीं है। हाँ, तो आपका एक ही रहता है अवॉइडेंस, कि अब आपने अवॉइड करना सीख लिया। में यही है एक, मैं तो डूइंग तो शायद ही किसी में करता हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत में करता हूँ। आपकी अवॉइडेंस सबसे ज्यादा रहती है जी सर, तो इनके अंदर डूइंग कम है। हो सकता है कि इनकी डूइंग ऐसी हो जो हिडन हो, उसको भी पकड़ेंगे, लेकिन अभी आपके डूइंग पकड़ में नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी देखेंगे कुछ ना कुछ। तो जैसे कुछ लोग कानों के हाथ लगाते हैं, ऐसे करते हैं, राम राम करते हैं, कुछ कृष्ण कृष्ण करते हैं ना सर, आपके मेरे सर। हाँ, आपके मामले में कुछ नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात आपने बता दिया, तो मैं कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे कुछ नहीं होता। हाँ, बाय चांस चला भी जाऊं तो चला गया सर, अब बस। हाँ, अब कुछ नहीं है, बस यूं समझता हूँ। उसके बाद घर आकर के कुछ नहीं है, कुछ लोग तो कपड़े बदल देते हैं, कपड़े फेंक देते हैं, वो डूइंग में आ जाता है, या घर आकर के कुछ करते हैं जो कंपल्शन, वो भी कपड़े निकालना तो जब करता हूँ जब मंदिर दिख जाता है, क्योंकि भगवान चिपक गए। अच्छा, तो डूइंग में आ जाता है। हाँ, तो फिर इसमें नहीं करता। हाँ, अभी बाय चांस आपने यूं कह दिया कि चुराहे पर जाने से कोई कपड़े बदल देते हैं, तो मेरे मन में है तो अब मैं वो करूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये भी डर नकली है, सारे डर नकली हैं। ये रिलीजियस ओसीडी भी सर मेरी जब भी आई है, क्योंकि मैंने ये सुनी है कहीं वीडियो से। हाँ, तो अब मैंने उस पर अमल कर लिया तो। हाँ, तो ऐसे तो देखो दुनिया में कोई ना कोई हाँ, तो कुछ ना कुछ बोलता ही रहेगा, उस पर नहीं करना। तो सभी लोगों की सभी बातें थोड़ी ना सीरियस ले लेंगे हम। कर ली सर जितनी करनी थी। हाँ, करनी थी वो कर लिया, बस अब नहीं करेंगे, अब गाली देंगे सालों को। अब कोई बात सीरियस लेंगे ही नहीं, इस खोपड़ी के अंदर वही बात डालेंगे जो बात हमें अच्छी लगती है, वो नहीं डालेंगे जो बात हमें डराती है। ओके, तो अब देखो, आप देखो कि आपने जितनी ज्यादा डी की है उससे सी स्ट्रोंग हुई है, लेकिन आपने डी का प्रयोग किया अपने डर को कम करने के लिए है कि भूत नहीं चिपकेगा इससे, इसके लिए क्या करो, चुरास्ते से दूर ही रहो। अर्थात डर तो है, लेकिन आपने चुरास्ते से हटना ही दूर उचित समझा, अर्थात आप अवॉइड करने लग गए। अवॉइड करोगे, जितना ज्यादा अवॉइड करोगे उससे सी और ज्यादा गहरा होता जाएगा, जो अनुमानित डर है भूत चिपकने का वो रियल होता जाएगा। मन में एक विचार हमेशा रहेगा कि अरे चिपक तो जाता, लेकिन तू गया ही नहीं ना, अब सेफ है। तो मन कहेगा दूर रहो तो ही सेफ है, मन आपको हमेशा दूर रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये डर तो है ना,
सेफ्टी बिहेवियर, हाँ सेफ्टी बिहेवियर में आ जाता है, दूर रहना। तो जितनी ज्यादा सेफ्टी का प्रयोग करोगे उतनी ज्यादा फंसते ही जाओगे, क्योंकि ये डर और मजबूत होता जाएगा। बैड लक कुछ भी, तो बीमार हो जाओ होने का डर बढ़ता जाएगा। और बीमार होना, स्वस्थ रहना, ये तो नॉर्मल बातें हैं। कोई मौसमी बीमारी भी आ जाएगी, सर्दी खांसी जुखाम बुखार, ये तो आम है। जब भी हो गई तो आपका शक जाएगा कहीं मैं चौरास्ते के ऊपर से तो नहीं निकल गया, तो वहीं जा करके फिर आप फंस जाओगे। हुआ था सर मेरे साथ, जब भी बता रहा हूँ। हाँ कैसे, क्या हुआ था सर? मैं गया मैं एक्सरसाइज करने जॉगिंग के लिए गया था सर, उधर चौराहे था, उधर मटकी टूटी फूटी थी सर। जब तो मेरे विचार भी नहीं था, क्योंकि मैं चला ही गया था उसके ऊपर से। तो फिर घर आकर आया तो मैं बीमार सा हो गया सर। तो फिर घर वालों ने बोला कि अभी तू चौराहे पे तो नहीं चला गया तो तू मटकी। मैंने बोला हाँ मेरे याद तो है सर, मेरे बाय चांस हाँ लग गया हो मेरा पैर। तो फिर मेरे मन में वो बैठ गया कि लगता है, घर वालों ने भी कह दिया और किसी से पूछ भी लिया मम्मी ने कि इसके तो यू चौराहे पे गया होगा तो उधर उसके लिए कुछ हो गया, तो अब तुम उधर चढ़ाया हो ये तो वो ठीक हो जाएगा। हाँ। भगवान के उधर कुछ चढ़ाया हो भगवान के ऊपर तो ये ठीक हो जाएगा, अनाज चढ़ाया हो हाँ। दलिया चढ़ाया हो तो ऐसे शास्त्री ने कहा था सर। हाँ, हाँ। तो फिर वो चढ़ाया हो तो ये, फिर मैंने लगा कि बड़ा उसकी वजह से हुआ चौराहे की वजह से। फिर मैं उधर से फिर चौराहे आता था तो सर ऐसे तो चौराहे पड़ा ही है, पर बाई चांस चौराहे की और भी पड़ा है तो जब मैं और भी नहीं जाता सर। तो आपने फिर दलिया ना चढ़ाया सर? हाँ मम्मी ने चढ़ाया। हाँ तो वो डूइंग में आ गया, तो डूइंग तो है ना, डूइंग तो कभी ना कभी की है। मैंने कुछ नहीं किया। अब वो डूइंग दूसरों ने करवा दी ना जी सर, तो अब अगर अवॉइड नहीं हो पाया तो डूइंग होती है ना जी सर। भी आपको लगा कि मैं निकल गया चौरास्ते से, अब अवॉइड तो हुआ नहीं, तो अवॉइड नहीं हुआ तो फिर डूइंग आ जाएगी। तो अनाज चढ़ाना डूइंग है, दलिया अनाज चढ़ाना ये डूइंग का उदाहरण है। ठीक है, तो डूइंग तब होती है जब अवॉइडेंस संभव ना हो। जब तक अवॉइडेंस रहेगी तब तक तो डूइंग का सवाल नहीं है ना, क्योंकि आपने वो फार्मूला अपना लिया कि ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी, तो ना जाएंगे चौराहे के ऊपर से तो ना खतरा महसूस होगा और ना ही फिर कुछ करना होगा। तो अब देखो, कल को बीमार हो गए तो आपका शक यहीं गया ना, फिर आपने डूइंग कर दी। ऐसे ही कभी ना कभी लाइफ में बुरा हो जाएगा, कोई और बीमारी आ जाएगी, कभी इंटरव्यू में फेल हो गए, जिंदगी में फेल हो गए, कोई हादसा हो गया, तो आपका फिर से शक इसी पर आ जाएगा कि चौराहे के ऊपर से निकले थे, या कोई गाड़ी है मोटरसाइकिल है वो खराब हो गया तो आपको लगेगा कि अरे ऊपर से निकल गया होगा इसी कारण से खराब हुआ है। तो ले लेकर के जो भी बुरी घटनाएं आपके जीवन में घटेंगी उनका कारण आप इसे ही मानते जाओगे कि चौरास्ते के ऊपर से ही मैं निकला हूं, इसी कारण से हुआ है। फिर डूइंग स्टार्ट होगी, फिर आप पंडित के पास भी जाओगे, पैसे भी चढ़ाना, ये सारा कुछ फिर डूइंग में कन्वर्ट होता है। डूइंग, अच्छा डूइंग थी सर ये। हाँ गए थे सर शास्त्री की मम्मी। अच्छा शास्त्री के पास भी गए थे। हाँ, क्योंकि तो ये सारा डूइंग में आ जाता है। बीमार हो गया। हाँ तो जाना तो डॉक्टर के पास चाहिए था, मुझे भी लेगी थी सर। हाँ तो उस बंदे को तो खुद नहीं पता सर, हमने ही कह दिया था पहले कि शायद चौराहे पे गया तो उसको रीजन मिल गया। हाँ उसको पता लग गया कि इसकी दुखती रग क्या है। वो तो आपके डर के ऊपर जीता है ना, ये शास्त्री पंडित मौलवी पादरी जो भी है ये सारे परजीवी है, ये दूसरों के ऊपर जीवित रहते हैं, ये हमारे ऊपर जीवित रहते हैं, हमें डरा करके जीवित रहते हैं। जैसे अम्बरवेल होती है ना, जो जिस वृक्ष पे रहती है उसी को ही खा जाती है, उसकी खुद की जड़ें नहीं होती, तो वैसे ही ये परजीवी अम्बरवेल की तरह है ये शास्त्री पंडित मौलवी, ये तो दूसरों के ऊपर जीवित रहते हैं ना, दूसरों को डरा करके इनका घर चलता है। तो वो शास्त्री अगर आपको डराता नहीं तो आप उसकी जेब गरम करते जी सर, फिर उसने 15-20 रुपए भी लिए सर। हाँ तो वो छोटा शास्त्री था ना जी सर, वरना बड़े बड़े शास्त्री तो लाखों में बात करते हैं वो बंदा देख के पैसे मांगते हैं जी सर। अब कोई गाड़ी वाला आ जाए उनके पास, कोई नेता, कोई जितना बड़ा अमीर बंदा आएगा उतनी उनकी रकम बढ़ जाती है। क्या समझे? अब वो ये सर समझ गया मैं सर। डर का सामना करना है, मतलब जाना है सर चौराहे पर। हाँ ज्यादा से ज्यादा जाना है जब डर कम होगा। हाँ अभी तो अपन समझेंगे
ठीक है, अभी आप इतना समझ गए कि शास्त्री पंडित के पास जाना डूइंग है, और उसी से ये खतरा है ना, ये रील हो जाता है, वो दो चार बातें सुना देगा, वो कोई नकली डर पकड़ा देगा कि ये लोग उपाय बता देगा, तो आपको लगेगा कि चलो अब ठीक हो रहे हैं, और साथ में आपकी प्रोग्रामिंग भी ये हो जाएगी कि भाई पंडित ने कुछ तागा तभी दे दिया, कोई मंत्र फूंक दिया, अब मैं ठीक हो गया। वो ठीक तो आपको नेचुरली होना ही था, सर्दी जुकाम खांसी बुखार ये तो कुछ दिनों के बाद अपने आप ही छोड़कर जाने वाली होती हैं। लेकिन वो मेरे ऐसा बुखार पहली बार ही हुआ था सर, डॉक्टर भी जाना पड़ गया था हॉस्पिटल में। हाँ, तो आपने पंडित को भी दिखाया और डॉक्टर के पास भी गए। हाँ, तो अब आप बताओ पंडित से ठीक हुए या डॉक्टर से? सर मैं जाते हैं, मेरे प्लेट्स भी कम होगी तो वो डॉक्टर के दवाइयों से पूरी हुई या पंडित से? सर डॉक्टर की वजह से। तो पंडित का इसमें क्या नाम आया? लेकिन क्रेडिट सारा पंडित को जाएगा, उसने ले लिया। क्रेडिट सारा पंडित ले जाता है, डॉक्टर तो क्रेडिट लेते ही नहीं है ना। जी सर। डॉक्टर को तो आप भी क्रेडिट नहीं दोगे, उसने तो दवाई दी थी और क्या किया था, असली इलाज तो पप्पू दद्दू ने किया था। तो पप्पू दद्दू को ये भी नहीं पता कि वो रोज डॉक्टर के पास जाता है। ये तो तू मेरे पास ही रहे, डॉक्टर के चले जा। हाँ, एक से पता तो चले ना भी किसका इलाज हुआ, या तो जब हार्ट अटैक किसी को हो जाए तो ही पप्पू दद्दू के पास ही बैठा रहे, जाए ना फिर पता चले ना, एक्सीडेंट हो जाए, हाथ ऐसे टूट जाए, तब भी पप्पू दद्दू के पास ही बैठे रहो, वो हाथ से ही कर देगा क्या। सर मेरे ताऊ जी भी थे। हाँ। सर वो अंधविश्वास में इतने थे, वो हमेशा उनके पास रहते थे दादा। अब वो इन शास्त्रीय मतलब साणों के पास, बाबाओं के पास। सर उनकी 50 साल उम्र हो गई है, होगी थी सर, सर अब नहीं है वो सर। हाँ। तो 30 साल की उम्र से ही, 25-30 साल की उम्र से ही शादी के बाद ही उनके समझते थे कि वही उनके पास इलाज है मेरे, कि हमारे परिवार मेरे पापा जी भी नहीं है। हाँ। तो कभी मेरे कुछ ना हो जाए क्योंकि मेरे भाई भी नहीं रहे। हाँ। चाचा जी भी नहीं है, मेरे दादा जी भी नहीं है। हाँ। मेरी चाची जी भी नहीं है, तो समझ लिया घर में ही कुछ है। हाँ। तो कभी अब मेरा टाइम नहीं आ गया, मेरा नंबर नहीं आ जाएगा। हाँ। तो फिर उन बाबा के पास जाते थे, उनसे सलाह मांगते थे कि वो बोलते थे कि तेरे घर में अब ये हो जाएगा, मतलब तू अच्छा रहने लग जाएगा, उनसे करवाते थे कि उधर जा चढ़ाने, उधर जा चढ़ाने। हाँ। तो अब वो घर वाले ही परेशान थे मेरे ताऊ जी से। हाँ। के तो फिर वो अब आखिरी में चले ही गए। बिल्कुल, तो चले ही जाने ना, इन शास्त्री पंडितों के पास क्या है। अब वो घर वाले ठीक है, अब उनकी मेरी ताई जी की पेंशन भी आती है, अब पहले से ज्यादा सही है वो। हाँ। चलो जो भी है, इसका मतलब कहने का इतना ही है कि इन पंडितों के पास कोई इलाज नहीं है, ये और ज्यादा भ्रम में डाल देते हैं, इनके पास जाएंगे फंस जाएंगे, ये खुद भी फंसे हुए हैं, दूसरों को और फंसाते हैं, क्योंकि इन्होंने तो बीमार किया ना आपको, इन शास्त्रियों ने, इन लोगों ने बीमार किया है, तो रास्ते के ऊपर से तो रोज निकलते हैं, जैसे आपने कहा पुलिस वाला रोज रास्ते पर खड़ा होता है, वो पुलिस, ट्रैफिक वाले और भी, तो वो तो कब के मर गए होते। हाँ सर। और उनका फिर ना तो फिर सैलरी नहीं मिलती ना फिर काम मिलता। हाँ। उधर ही खड़े रहते सर। हाँ। तो मैं तो टोने और ये मटकियां बहुत फोड़ता हूँ, वीडियो में भी देखा होगा। हाँ, आज कोई वहां मटकी या टोना मिल गया तो आज भी फोड़ के आएंगे, कुछ ना कुछ तो आज भी कबाड़ा करके आएंगे। जी सर। तो आप जितना दूर रहोगे या जितना डूइंग करोगे उससे फंसते जाओगे, तो कोई भी बीमारी हो सीधे डॉक्टर के पास जाओ भाई, पंडित शास्त्री के पास जाने की क्या जरूरत थी। अब उन्होंने कुछ भी कहा, उपाय दिया, कोई ताबीद दिया, कुछ भी दिया, उससे आपको लगे भ्रम हो जाएगा कि इससे हुआ है, उससे नहीं होता, डॉक्टर से ही ठीक होता है। तो आज मेरे हाथ में कोई अंगूठी ताबीत कहीं नहीं मिलेगा, गले में कुछ भी नहीं मिलेगा, ना मनीष के मिलेगा, विचार दिमाग में। हाँ। बैठ नहीं। और मैं जिन महिला या पुरुषों के हाथों में अंगूठियां देखता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ कि ये गुलाम है, जिसके मन माला देखता हूँ तो वो गुलामों की निशानी है, कि वो इतने गुलाम है कि उनको अपने 2.5 किलो के हाथ पर भरोसा नहीं है, 2 रुपए की अंगूठी पर भरोसा है। सर ऐसे तो नींबू लगाते हैं घर पर, तो हाँ। तू गले में बांध ले। हाँ। तो तेरी सुरक्षा हो जाएगी। हाँ, जैसे गाड़ियों में लटकाते हैं नींबू मिर्ची। हाँ, तो कहते हैं भी गाड़ी कीमती है, तो जैसे मैं कहता हूँ भी गाड़ी से कीमती तो तुम हो, तो तुम फिर माला बांध के क्यों नहीं घूमते नींबू मिर्ची की, तुम्हें चोट ना लग जाए। आपकी वीडियो में देखा था। हाँ, अच्छा मेरी वीडियो में देख के मुझसे ही बात कर रहे हो, कमाल करते हो। ये तो मैंने आपकी वीडियो में सुना था कहीं, इसलिए बोल रहा। अच्छा चलो, कहने की बातें इतनी सारी हैं कि कहते कहते अपा बहुत समय लग जाएगा, लेकिन सार यही है कि इन पप्पू दद्दुओं ने मरवाया है,
इनसे दूर रहो, इनकी बातों को कभी भी सीरियस मत लो, ये बकवास कर रहे हैं, खुद फंसे हुए लोग हैं, दूसरों को फंसाते हैं। जैसे MLM का कंसेप्ट होता है ना, जैसे एक किताब आई थी एक पप्पू धदू डॉक्टर की, तो उसमें था जुड़ो और जीतो, तो MLM पर थी, लेकिन उसका कहने का मतलब ये था फंसो और फंसाओ। तो MLM में है ना, जैसे खुद फंस जाओ फिर फंसाओ। मुझे भी कोशिश कर रहा था एक बंदा, मैं तो गया नहीं सुना। हाँ, तो ऐसे बंदों को ना इस पकड़ पकड़ के लाया करो, मेरे पास आ जाए ना मजा आ जाता। पिछली बार आया था जब मैं आपके पास, उधर सर आया था तो उधर एक बंदा मिला था। अच्छा, क्या नाम था? दोस्त बन गया था मेरा सर। अच्छा, वो था पंजाब से ही था सर कहीं। अच्छा, आगे तो ध्यान नहीं है मेरे सर, उसका नंबर भी है मेरे पास अभी। अच्छा, तो वो बोलने लग गया भाई, सारा समझाने लग गया था, तो मैंने एक बार उसकी बात सुन ली। हाँ, वो बस समझाने में, बस प्लान समझाओ, सबको प्लान समझाओ, खरीदे ना खरीदे, ये बड़े जुझारू होते हैं, बड़े सहनशील होते हैं, इनका वो पके होते हैं, प्लान पक्का समझाना है। मैं तो अब इनको टाइम नहीं देता, और अगर ऐसे मैसेज आ जाए या फोन आ जाए तो सीधा ब्लैक लिस्ट में, और फोन पे मैसेज आ गया ब्लॉक जाएगा, स्पैम में डालता हूँ, रिपोर्ट और करता हूँ, ये दोबारा मैसेज ना कर दे। तो ऐसे लोगों को मुंह लगाना बहुत खतरनाक है, क्योंकि जो MLM वाले हैं वो खुद डिप्रेशन में जाएंगे, और इनके साथ रहे तो हम और ज्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो ऐसे बंदों से दूर रहना ही भलाई है। तो अभी तक आपको क्या समझ में आया? इससे मतलब सामना करना है डर से, नेगेटिविटी से दूर रहना है, नेगेटिव पीपल से दूर रहना है, और इन पाखंडी भाभियों से, इनकी बातों को अंदर नहीं लेना, इनकी बस जो जिस मन में आनंद हो वो करना है सर, इनसे दूर ही रहना है। हाँ। पहले तुम इस चौराहे से अवॉइड करते थे, अब उनको अवॉइड करना है, चौराहे पर जान पूछ के जाना है। हाँ। तो जब ये विचार खत्म होगा, डर का सामना करेंगे तो कुछ नहीं होता सर ये। हाँ, डर का सामना करना ही जीतना है। तो अभी तक आपने जो ये दिशा पकड़ी थी डी से सी की, ये गलत थी। डी से सी ठीक नहीं होता, और ज्यादा स्ट्रोंग हो जाता है, ये नकली है पूरी तरह से, 100% ये नकली है। लेकिन आप डी करोगे तो ये असली नजर आने लग जाएगा, ये अनुमानित डर भी रियल हो जाएगा। अगर आपने बार बार, जैसे एक कहते हैं ना कि एक झूठ को भी 100 बार बोलो तो वो सच लगने लग जाता है, उसी प्रकार जब बार बार यही काम करोगे तो आपका मन भी यही समझ जाएगा कि ये असली है, ये ऐसा होता है, भूत चिपकते हैं, बाबे आते हैं, फला आता है, ना कोई भूत होता ना कोई भूतनी होती। अगर भूत होता तो मेरे चिपक गया होता ना, इतने चौरास्ते मैंने टपे हैं, इतने टोने मैंने फोड़े हैं, इतनी समाधियां पीर की फकीर की सारी तो मैंने तोड़ दी हैं। असली में किया था वो? हाँ, असली में किया मैंने, तो वो धजाएं सी होती है जो सफेद सी और हरी सी, उनको भी मैंने तो आग के हवाले कर दिया था। होता तो हो जाता भी पर। वो बकवास है सब कुछ ये, अगर हमारी मानसिकता कमजोर है तो हम डर जाएंगे ना, अगर मन से स्ट्रोंग है तो कुछ नहीं होता है। ये पप्पू धदू हमारे डर का ही फायदा उठाते हैं, और किससे कहानियां सुनाएंगे, वो भी काल्पनिक, सारी झूठी कहानियां होती हैं, किसी कहानी में कोई दम नहीं होता। मुझे पहले से ही पता है जिसका दिमाग, मुझे ये पता था सर, मुझे जिसका दिमाग मजबूत होगा उसको चाहे कुछ बड़ी से बड़ी आ जाए कुछ नहीं बिगाड़ेगी। हाँ, है ही नहीं, उसके दिमाग पर असर ही नहीं होगा ना, ये कमजोर मानसिकता पर। क्या है कि वो पुरानी कहानियां सुनी होती है ना, उन कहानियों में जो जो हुआ है वो फिर होने लग जाता है, क्योंकि आदमी इतना डर जाता है तो वो डर के कारण फिर वो पुराना डेटा है ना, वो रोग के रूप में बाहर निकलता है। और मानसिक रूप से कमजोर होगा तो उसे वो नकली भी असली लगेगा। हाँ, हाँ, डर जाएगा और वो उसके बुखार भी आ जाएगा, मानसिक रूप से परेशान भी हो जाएगा, मानसिक रूप से सही होगा और बाय चांस हो भी जाए उसको भी सीरियस नहीं लेगा। हाँ, तो उसके साथ हो ही नहीं सकता। हाँ सर, कमजोर मन वालों के साथ ये होता है। कमजोर मन का मतलब है सजेस्टेबिलिटी, उनके अंदर जो दूसरों की बातों को सच मानने की क्षमता ज्यादा है। जी सर, वो लॉजिक नहीं कर सकते, वो हूबहू मान लेते हैं, सीरियस ले लेते हैं, तो वो मेंटली रूप से वीक हैं, वो ज्यादा फंसते हैं, वो जो सशक्त हैं वो नहीं फंसते। तो हम मेंटली स्ट्रोंग बनाने की तरफ ही प्रयासरत हैं, और वीडियो जो देख लेगा अप्लाई कर लेगा वो तो बादशाह बनेगा, स्ट्रोंग नहीं महास्ट्रोंग। ठीक है, तो ये सी नकली है पूरी तरह से, ना कभी भूत आज तक चिपका है, ना चिपकेगा, ना कोई बीमार चौरास्ते से होता है। ऐसे चौरास्ते से बीमार होते तो अपस जाते हैं
बाजार में जाते हैं तो पता नहीं कितने चौरास्ते निकल के आते हैं ना, बाजार में कोई गाड़ी घुमा घुमा के थोड़ी ना चलाएंगे, सीधा ट्रैफिक, इधर भी गाड़ी है उधर भी गाड़ी है, तो अब घुमा लो कहाँ घुमाओगे, चौराहे पे ही दुकान होती है। हाँ चौराहे पे ही होती है, तो बीमार होना होता तो सारा भारत आज बीमार ही होता ना, धंधा ही बंद हो जाता। हाँ दिमाग लगाना है ना दिमाग का प्रयोग करना है बच्चे। तो सी से बी ठीक नहीं होता, जितना आप सी से बी ठीक करने की कोशिश करोगे फिर फंस जाओगे, क्योंकि इस विचार को वैल्यू मिल जाएगी, ये रिपीटेड हो जाएगा, ये फंस जाएगा, ये फंसने लग जाएगा, ये है तो नकली विचार भूत प्रेत का बीमारी का, ये मात्र एक विचार है। अगर आपने इस डर, आपने डर पाल लिया या डर को सीरियस ले लिया तो ये विचार फंसने लग जाएगा। और जितना आप बी से ए को ठीक करोगे उससे ये एक तो निकल जाएगा, फिर नए और ट्रिगर आ जाएंगे, चौरास्ते के आसपास की चीजें आ जाएंगी, कोई लाल चीज आ जाएगी, कोई नारियल आ जाएगा, कोई बोतल आ जाएगी, ऐसे ट्रिगर आते जाएंगे फिर, ठीक है। तो इस दिशा से ओसीडी को और ज्यादा बढ़ाना है ठीक नहीं होता, तो ये उल्टी दिशा है, इससे ओसीडी और फंसता है और ज्यादा गहरा हो जाता है, और सभी लोग जो ओसीडी में हैं वो इसी से ही ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कि ज्यादा हाथ धो लेते हैं या ज्यादा चढ़ावा चढ़ा देते हैं या अवॉइड कर लेते हैं तो इसे ठीक हो जाएंगे, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता अभी इन दोनों का प्रयोग करने से तो ज्यादा बीमारी बढ़ रही है, ठीक नहीं हो रहे वो और ज्यादा बीमार हो रहे हैं, क्या समझे। कंपल्सन करने से ही बीमारी बढ़ रही है, हाँ अवॉइड करने से, डूइंग करने से। हाँ तो अवॉइड करना, डूइंग करना, ओसीडी में फंसना है, इस बात को हमेशा 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 याद रखना होगा, क्या समझे। अवॉइड करना, डूइंग करना, कंपल्सन करना, किसी से भागना, यही सब करना ही नकली है, और इससे जितना भागोगे और विचार ज्यादा आएंगे, मतलब सब यही नकली है, जितना ज्यादा भागोगे तो विचार और ज्यादा आएंगे। हाँ। तो इसके बिना, और ये करोगे तो ओसीडी कभी ठीक नहीं होगी, बिल्कुल कभी भी नहीं होगी, इस जन्म में भी नहीं होगी, डूइंग से और अवॉइडेंस से इस जन्म में ओसीडी ठीक नहीं होगी। तो ठीक करने के लिए अब हम सही रास्ते पर जाते हैं, तो सबसे ज्यादा इस पर फोकस कर देना कि है ही नकली। जब सी को ही आपने बीच में से हटा दिया कि ये नकली है, भूत का चिपकना, बीमार होना खत्म कर दो, हाँ वो तो अलग कारणों से होता है, भूत से कुछ नहीं होता, बीमार होना तो चौरास्ते का संबंध नहीं है, वायरस का या बीमारी का संबंध वायरस से है ना, या किसी और कारण पर आधारित है, चौरास्ते का तो कोई लेना देना नहीं है ना। तो, वो एक्सरसाइज ज्यादा कर ली थी तो प्लेट कम, हाँ वो हो ही जाता है, लेकिन नाम इसका आ गया भाई, हाँ, बदनाम ये हो गया तो इसको बदनाम नहीं करना है, ठीक है, भूतों को खामखा बदनाम नहीं करना है, वरना वो यूनियन बना के बैठ जाएंगे और कल को फोन कर देंगे, कह देंगे ये प्रद्युमन है ना हमें बदनाम कर रहा है, हम तो कभी बीमार करते ही नहीं है, हम तो आप जिंदगी से परेशान होके शमशान घाट में बैठे हैं, हम क्या किसी का बिगाड़ेंगे। भूत का नाम सुन के लोगों में वही आती है डर की भाव, यूं सोचते नहीं है क्योंकि वो भूत अच्छे हैं, यूं क्यों नहीं सोच पाते सर, क्योंकि उनके मन से यही ऐड करवा रखा है। हाँ बस भूत का मतलब ही डरावना बना दिया ना, खौफनाक सा, और टीवी सीरियल उन्होंने फिर डर का फायदा उठाया, उन्होंने तो भूत भी अपडेटेड बनाए, कोई मोमबत्ती वाला, कोई लाल साड़ी, कोई सफेद साड़ी, कोई खुले बाल, हद हो गई उनकी कल्पना शक्ति तो परंपार है, सुंदर सुंदर भूतनियां बनाई है जी। तो वो एक सॉन्ग आता ना, भी जट सीमिया चो निकलिया वो एक सॉन्ग है ना, पंजाबी सॉन्ग है, जट सीमिया कोल दी निकलिया टक्करी चढ़ेल बन के आजा लग जा गड़े वो किसान से तो चुड़ैल भी भागती है ना, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूँ, तो हम तो रात को शमशान घाट के आसपास से भी निकलते हैं, पानी देते हैं फसलों को, देखा मैं तो 12 बजे शमशान घाट में भी गया था, वीडियो भी बनाया हुआ है सर। हाँ, बताओ मेरे को तो कोई भूतनी नहीं चिपकती, राखी नहाए भी नहीं होंगे, नहा लिए मैं तो वैसे ही नहीं नहाता उस दिन तो नहाने क्या था, ठीक है सर। ऐसी अगर बाय चांस शमशान घाट में चला जाए तो नहाना पड़ता है, नहाने की जरूरत नहीं, वो पुरानी प्रथाएं है ना, पुरानी धारणाएं है, क्यों लग रहा है तो अब कुछ नहीं करना चाहिए, सो जाना। वो उस समय क्या होता था कि जैसे आज से हजारों साल पहले कच्चे रास्ते हुआ करते थे, कोई घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी, कोई यातायात के साधन थे नहीं, अब मान लो किसी का बूढ़ा एक्सपायर हो गया
अब उसकी बेटियां कोई 200 किलोमीटर है, कोई 300 किलोमीटर है, तो उनको संदेश देने में कुछ जाएगा, संदेश वाहक चिट्ठी लेकर के, तो 5-6 दिन जाने में लगे, 5-6 दिन आने में। 10 दिन बाद उसकी बेटी आई अपने पिता का मुंह देखने के लिए। तो अब तब तक तो लाश गल सड़ जाती थी ना, तो उसमें बैक्टीरिया वायरस पैदा हो जाते थे, और जब भी जलाया जाता तो वो कपड़ों से चिपक जाया करते थे, उससे हेजा चेचक जा और कुछ बीमारियां होती थी ना, ऐसी कुछ जो भी ऐसी महामारियां सी होती थी, तो वो फैलने का खतरा रहता था। तब हमारे विद्वानों ने, बुजुर्ग विद्वानों ने ये उपाय ढूंढा कि जो शमशान घाट में जाए वो कपड़े धोए या कपड़े बाहर ही रख दे या नहा ले, ताकि वो वायरस निकल जाए। उस समय तो वो ठीक था क्योंकि बीमारियों से बचाव होता था, लेकिन आजकल तो फोन चल गए, यातायात के साधन बन गए, हवाई जहाज आ गए, आज तो अमेरिका से भी बंदा दूसरे दिन आ जाता है ना, तो 1-2 दिन में तो लाश का कुछ बिगड़ता ही नहीं है, करने की जरूरत नहीं है। हाँ, शमशान घाट में जाओ, आकर के नहाने की जरूरत ही नहीं है। जब मेरे जब से आया, जब मैं ताऊ जी मेरे एक्सपायर हुए थे अभी 1-2 साल पहले, हाँ, तो जब मैं उन्हीं के गया था ना, उनको भी लेकर, उन सारे गए थे सर उनको जलाने के लिए, हाँ, तो जब आके नहाना, ऐसे जब दो विचार था ना मेरा सर, तो फिर ऐसे आते गए, मेरे मामा जी हो गए, एक्सपायर हो गए, जब भी था मेरे विचार ये, हाँ, तो जब से ज्यादा बढ़ा ये वाला, हाँ, तो नहाना पड़ता आगे क्योंकि लोग भी नहाते ही थे। ऐसे तो लोग अंधविश्वासी तो, पर मेरी मौसी जी नहीं नहाई, वो तो अगले दिन ही सो गई थी, उठ गई ऐसी, तो उसको कुछ क्यों नहीं हुआ, तो लोग उसको और भी फिर कह रहे तू नहाना तेरे कुछ हो जाएगा, क्योंकि मेरे मौसी को तंग कर रहे सर। तो ऐसे लोग तो अंधविश्वासी, जो खुद फंसा हुआ है ना, वो दूसरों को फंसाने की सोचता है, समझते तेरे कुछ बुरा हो जाएगा, नहीं आएगी तो, वो डर खुद रहे होते हैं ना। सर जैसे वो MLM वाला फंडा है जी सर, भी पहले खुद पैसे दे के फंस जाओ, फिर 4-5 अपने जैसे बेवकूफों को और ढूंढो, कि खुद बेवकूफ बन गए, अब 2-4 और बेवकूफ बनाते हैं, ऐसे तो ये धंधा चलता है, ऐसे ही अंधविश्वास चलता है। मैं सर समझ गया, कुछ नहीं होता, तो पहले पुराने जमाने भी सांपों के लिए करते थे सर, हाँ, अब तो बस एक दिन में जला देते हैं, तो वो घर आके सो जाना ऐसे आराम से। ओके जी सर, तो ये नकली था जी सर, तो अब आपने यही समझ लिया तो ये करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब आपने देखना है कि आपने दिशा बदलनी है, अब आपने इस दिशा से चलना है, A से D जाना है। तो जैसे आप यहाँ हो, आपने दिल्ली जाना है, और आप पहुंच गए यहाँ लाहौर, और पता चला कि ये लाहौर है, दिल्ली तो पीछे रह गया, तो यहाँ पर आपके पास फिर से 3 ऑप्शन है ना, वापस आ जाओ, दिल्ली चले जाओ, या फिर आगे चले जाते जाओ, या रोते रहो एक जगह बैठ करके। वापस चले जाऊंगा, वापस आने वाला रास्ता ही बेस्ट रास्ता है ना, टाइम तो लगेगा लेकिन मंजिल तक तो पहुंच जाओगे, दूसरे दो रास्तों से जल्दी पहुंच जाऊंगा। हाँ, तो अब आपने क्या करना है, OCD में भी ऐसे ही 3 रास्ते होते हैं हमारे पास, OCD में भी 3 चुनाव हमेशा रहते हैं। नंबर 1 चॉइस है ऑब्सेशनल चॉइस, की जो OCD कहती है वो करते जाओ, तो इससे आप और फंसते जाएंगे, OCD और बढ़ती जाएगी, स्ट्रोंग होती जाएगी। और दूसरा रास्ता है नॉन ऑब्सेशनल चॉइस, कुछ ना करो, बस बैठ जाओ, इससे रोना होगा, रोते रहो अपनी किस्मत को, करना कुछ नहीं है, अकर्मण्यता की अवस्था में रहना। और तीसरा रास्ता है एंटी ऑब्सेशनल चॉइस, जो OCD कहती है उसका उल्टा करो, इससे डाटा माइनस हो जाएगा, आप ठीक हो जाओगे। तो समझदार इंसान को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, एंटी-ऑब्सेशनल चॉइस। हाँ, तो ये 2 रास्ते तो ये आसान है बिल्कुल, ये OCD वाला ये बिल्कुल इससे भी आसान है, और ये मुश्किल रास्ता है, मुश्किल पे चलना सीखेंगे जब ये आसानी प्राप्त। हाँ, तो सही बात है, तो आपने ये रास्ता चुनना है, आप कौन सा रास्ता चुनाव करते हो, मुश्किल। वेरी गुड, अब तो आपने सामना करना है, तो अब आपने रास्ता चुना है एंटी ऑब्सेशनल, तो अब आप फाइट करोगे, योद्धा बनोगे, OCD से जीतने के लिए योद्धा बनने की जरूरत है, फाइटर बनने की जरूरत है, दबू बन के OCD। दूसरे जो काम करता हूँ वो मुझे फाइट करना ही सिखाएगी OCD। हाँ, उस चीज में भी मैं फाइट ही करता हूँ, बस बस फाइट करके ही तो हम इस दुनिया में आए हैं ना, अरबों खरबों की रेस तो पहले ही जीत के आए हैं, तो यहाँ फाइट नहीं करूंगा तो दब जाऊंगा दुनिया। हाँ, फाइट तो करनी होगी।
जीतना है, जीतना है कोई नहीं है दुनिया में सर, तो लड़ना होगा बस मेरे मम्मी पापा हैं और बस। हाँ तो बस, तो जीतने के लिए आपको ये रास्ता ओके है। तो अब देखना है कि कितना डाटा आपने ले लिया है इतने सालों में। तो ये मन है, ये मन का कंसेप्ट पूरा टाइम एंड स्पेस में समझ आएगा। तो मन की स्पीड का ये प्रतीक है, मन की स्पीड स्लो होना अर्थात चिंता, घबराहट, बेचैनी, दुख, नेगेटिव इमोशन आना, और मन की स्पीड फास्ट होना मस्ती, आनंद, खुशी। और मन की स्पीड स्लो होती है डेटा से, डेटा जितना मन में होगा उतनी स्पीड स्लो, जैसे कंप्यूटर में और लैपटॉप में जितना ज्यादा डेटा हो वो उतना ही ज्यादा स्लो चलता है या हैंग हो जाता है। वैसे ही हमारा मन है, मन में ज्यादा जितने ज्यादा विचार होंगे, जितना ज्यादा डर होगा, जितनी ज्यादा डूइंग, जितना ज्यादा अवॉइडेंस, उतना ही मन स्लो हो जाएगा अर्थात स्पीड स्लो हो जाएगी, और फिर डर भी आएगा, चिंता भी आएगी, घबराहट भी आएगी, सब कुछ आएगा। सर मुझे ये बात पहले पहले मैं जब जो सीबीटी जो सीखी थी ना सर मैंने, ये बात सही लगी मुझे। उसमें तो सोचना पड़ता है लॉजिक, लॉजिक, अब मैं कुछ सोचूंगा ना, सोचना ही फंसना है सर, सोचना है नहीं, सोचना ही मरना है, इसीलिए मैंने सीबीटी को बाय बाय कह दिया। उसमें सोच सोच के चलते हैं, सोचना ही तो फंसना है, सोच सोच के तो फंसे हैं, अभी सोच से ही तो छुटकारा पाना है। मैं सोचना ही नहीं है, जो काम की बात है उसमें सोचना है, ये हाँ, उसमें तो अपने आप लग जाना है, बस डूब जाना है। जो पैशन है, जो कर्म में आनंद है, उसमें डूब जाओ बस, सोचने की तो जरूरत ही नहीं है ना। हाँ अब मैं कुछ सोच ही नहीं रहा, लग रहा है तो लग रहा है। हाँ लग रहा है, लगने दो, भाड़ में जाए, गाली निकालनी है। सबसे ज्यादा डाटा घर से ही आता है, घर वालों ने बताया ना कि चौरास्ते में जाना अपशगुन है, वहां पर पैर आ गया तो कुछ बुरा हो जाएगा, बीमारी लग जाएगी, नुकसान हो जाएगा। तो सबसे पहले डेटा घर से आया, फिर समाज वाले देते हैं, तरह तरह की कहानियां बाहर सुनाई जाती हैं, और ये पप्पू धदू है ही, धार्मिक बंदे तो हैं जो डराने में तुले हुए हैं, डरा डरा करके भी बिजनेस चलता है। फिर वो डर से बाहर निकालने का उपाय बताते हैं कि अगर कोई बाबा शराब पीने वाला है तो कहेगा बोतल वहां चौरास्ते पर चढ़ा दो, कोई बकरा खाने का शौकीन है तो कहेगा भी बकरा चढ़ा दो, तो वो सारा सामान रखवा लेते हैं ना, खुद ही ले जाते हैं, फिर खुद ही उनका बंदा आता है ले जाते हैं। तो ये तो उनका काम है ना, तो वो डाटा डालते हैं, पहले डराएंगे फिर लूट लेंगे, तो डराने से काम बनता है ना उनका। उसके अलावा फिर ये शिक्षण संस्थाएं, साइंस इस चीज को नहीं मानती है, लेकिन लोगों ने साइंस पढ़ी है सिर्फ पेपर देने के लिए या नौकरी लगने के लिए, साइंस का ही बंदा हूं। हाँ, लेकिन जीवन जीने में साइंटिफिक नहीं होते, साइंस एक नजरिया है। साइंटिफिक होना, साइंटिस्ट होना कोई किताबों वाला नहीं है, साइंटिस्ट एक वे है, जीने का एक तरीका है, साइंटिफिक तरीका है कि हम सही मार्ग से जी रहे हैं, सही तरीके से जी रहे हैं, वही साइंटिस्ट है, वो किताबी बंदा नहीं होता साइंटिस्ट। जैसे मनोविज्ञान कोई सब्जेक्ट नहीं है, मनोविज्ञान एक नजरिया है, जीवन जीने का एक तरीका है, बस लोग इसी चीज को नहीं समझ पाते। तो स्कूलों में भी अंधविश्वास ही परोसा जाता है ज्यादा, वो शिक्षा के नाम पर अलग अलग सौंप देते हैं कुछ चीजों को, वो नहीं मानते, लेकिन खंडन भी तो नहीं करते, वो डाटा भी तो डिलीट नहीं करते, वो और ज्यादा डाटा डालते हैं, लाल किताब, सफेद किताब, वो भी तो डाटा ही है। जैसे बहुत से ट्रस्टी स्कूलों के अंदर ये बाबे बूबे ही होते हैं, क्योंकि इनके पास माल अच्छा होता है, क्रिश्चियन लोग से। हाँ, तो ये भी डाटा ही डालते हैं, वो जैसा मैनेजमेंट में बंदा होगा वैसा ही डाटा बच्चों के अंदर डालता जाएगा। हमारे प्रिंसिपल सर ऐसे ही था, होते ही ऐसे ही है, जो खुद किसी डेरे डूरे का प्रेमी होता है वो बच्चों को और डेरे में घुमा देता है, वहां की चीजें। तो ये डेरे आश्रम सारे पप्पू धदुओं के भंडार वो अड्डे हैं, जहां पर क्या होता है वो बताने की जरूरत नहीं है, खुद समझदार हैं सारे। तो यहाँ से डाटा आता है, तो डाटा ने ही तो फिर पहले बाहर से डाटा आता है, फिर अंदर का डाटा रोग पैदा कर देता है। बाहर से डाटा आया इसीलिए फिर रोग पैदा, उसी डाटा ने रोग पैदा किया, समझ गए। अगर ये डाटा बाहर से ना आया होता
या आपने सीरियस ना लिया होता तो रोग ही नहीं पैदा होता। अब रोग पैदा हो गया अंदर के डेटा से, तो फिर इस रोग ने ही डेटा डालना आरंभ कर दिया। अब जितना आप चौरास्ते से दूर रहोगे उतना डेटा ऐड होगा, जितना आप डूइंग करोगे, इन शास्त्रियों के पास जाओगे, कोई ओझा या कोई झाड़ा फूंक करवाओगे, झाड़ा फूंक भी करवाते हो? हाँ, परिवार में तो कर शरबत आए जैसे। हाँ, तो उससे भी डाटा, और जितना इस डर को रियल मानोगे उससे डाटा आएगा, जितना इस विचार को महत्व दोगे, इंपोर्टेंस दोगे, वैल्यू दोगे, उससे भी डाटा आएगा। तो अब इन चारों तरीकों से डाटा ही आ रहा है, चारों रस्तों से। पहले मेरे विचार ओसीडी में, जैसे आपको बता रहा हूँ 10-11 साल हो गए, तो हाँ, मुझे ये मेरे मामा जी और मेरे मामी जी बोल रहे जिसको इधर दिखा ले शाने पर। हाँ, तो मेरी मम्मी ले गई है सर 2-3 बार इधर। हाँ, शाने बाकी सारे गूंगे ही हैं। आजकल तो गूंगे लोगों को भी शाना माना जाता है सर। और मुझे पता, जब से ही पता था मुझे कि ये कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो सर मुझे पता था कि मुझे तो ये तो मानसिक कोई बीमारी है, मुझे इसका तो किसी से भी इलाज लेना है सर ये तो। हाँ, तो जब से मुझे पता था, जब से, तो मैं उनकी बात पर कभी विश्वास ही नहीं किया। आपको पता होना था भी इस मानसिक बीमारी का तो एक ही शाना, या शाने तो भी है, जोधपुरी शाना है, उससे इलाज लेना है। तो वो शाने कितने पढ़े लिखे होते हैं, खुद बेचारे कम पढ़े लिखे होते हैं, सभी उन्होंने ये धंधा चुना है। हाँ हाँ, मैंने देखा ये बाबे बूबे कोई पढ़े लिखे नहीं होते, इनके पास कोई साइंटिफिक या मनोवैज्ञानिक सोच नहीं होती, ये खुद भी अंधविश्वासी होते हैं, धर्म के कट्टर धार्मिक होते हैं। पप्पू ददू ऐसे ही होते हैं, कई बाबे आते हैं मेरे पास, जब मैं उनकी सोच से वाकिफ होता हूँ तो मुझे लगता है यार इस बाबे के इतने फॉलोवर, इतने व्यूवर, लेकिन इसकी सोच इतनी घटिया, इतनी पुरानी, इतनी कट्टर, तो फिर मैं अवॉइड कर देता हूँ सर। और जो सही बात बोलता है फिर उसके पीछे लोग पड़ते हैं, जो ये जो डराता है ना, जो धार्मिक रूप से डराता है या गलत गलत काल्पनिक बातें बोलता है, लोग उसी को ज्यादा फॉलो करते हैं। अब देखना इस वीडियो पे कोई ज्यादा व्यूवर आने की उम्मीद नहीं है, और मैं चाहता भी नहीं कि कोई ज्यादा व्यूवर आए, तो बहुत कम आएंगे लोग देखने। लेकिन अगर कोई पप्पू ददू का वीडियो बनाते हुए रास्ते पर पैर चला गया, तो आपको यू उपाय करना चाहिए, शनिवार के दिन काले कपड़े में 7 अनाज और नमक और 7 खेतों की मिट्टी, 7 जगहों का पानी और 7 ठेकों की शराब और 7 ढाबों का मुर्गा, वो सारा कुछ करके चौरास्ते पर इस समय जाना है, 7:07 पर, 7:07 पर, और उस समय काली लाइट ये वो करके सर जिस समय ये बोल लेगा ना, मैं उसके साथ थप्पड़ उतार दूंगा। अरे ऐसे आप वीडियो बनाते तो लाखों व्यूवर आते, लोग करते बाबा जी हमें बताओ, मेरा भी पैर चौरास्ते में आ गया था, अब मुझे बताओ क्या करना चाहिए। मैं कह दूंगा अभी 1100 रुपए की भेंट लगेगी, फिर बताता हूँ, तो लोग अकाउंट में 1100 रोज डालने लग जाते। ऐसे ही बाबों का कारोबार चलता है, उनका कमाई करोड़ों में चली जाती है, लाखों में नहीं रहते, ये करोड़ों में जाते हैं, क्योंकि डर का मनोविज्ञान बहुत काम करता है। जो जितना अच्छे से डरा सकता है वो उतना ही कमा सकता है, और जो बेचारा डरा नहीं पाता वो कमा भी नहीं पाता। जब भी तो इन भूत की सीरियल चल रही है, लोगों को डरना पसंद है। हाँ, लोगों के अंदर का डर है ना। हाँ, सर। जिस बंदे के अंदर जैसा है वो वैसी चीजें देखना पसंद करेगा। जिस बंदे के अंदर खून खराबे से संबंधित डाटा है वो खून खराबे वाली फिल्में देखेगा ना। हमारा डर, अंदर का डर, सदियों पुराना डर, वो फिर बाहर आ जाता है, फिर पैसे का व्यापार शुरू होता है, लोग गहने बेच देंगे, घर बेच देंगे, लेकिन बाबाओं के डेरे को आबाद करेंगे, उनको आलिशान बना देंगे। जी। मैं तो एक ही बचा हूं घर में, या एक मनीष बचा है, या स्नेहा बची है, पत्नी भी थोड़ी थोड़ी बची हुई है, बाकी तो सारे परिवार वाले अंधविश्वासी हैं। दादी जी तो होंगी, दादी जी हैं अंधविश्वासी, सारे अंधविश्वासी हैं वो, कोई किसी डेरे के पास चला जाता है, कोई किसी भक्तनी के पास जाता है सर, क्योंकि वो पुराने समाज के हैं, इसलिए पुराने समाज के वो कहते हैं ना जी सर, घर वालों को बदला ही नहीं जा सकता। जी सर, मैं घर वालों से पंगा ही नहीं लेता, सही बात सर, क्योंकि घर वालों को बदलने के चक्कर में खुद घर वाले मुझे बदल देंगे। मैं अपनी मम्मी को चेंज नहीं कर सकता, चेंज होना है। उनकी बातों को ध्यान ना दो, बस अब करो अपनी, उनकी सुन ली बस। जी सर, कोई बात नहीं, एक कान से सुन लो दूसरे से निकाल दो, उनको कुछ कहो मत, करो अपने मन की,
वो कहें वो करो मत, और जहां पर पैसे लगने हो या पैसे की लूट हो वहां पर खड़े हो जाओ दीवार बन के। तो मैं किसी बाबे बूबे को कहीं चढ़ावा चुड़वा कहीं नहीं चढ़ाता, कोई दान दून नहीं देता, जिसको जरूरत है अपने आप दे देंगे जी। हाँ चलिए, बाबाओं की क्लास काफी लग गई, अब आप ये डाटा डिलीट कर लेते हैं। तो अभी देखते हैं कितना डाटा है आपके मन में। तो चौरास्ते से दूर कितने समय से रह रहे हो चौरास्ते को? हो गया फिर 5-6 साल। 5-6 साल, 82 का 72 महीने हो गए। एक दिन में कितनी बार ये अवॉइडेंस वाला विचार आता है? अगर मैं बाहर जाता हूँ तो जब दिख जाए तो? हाँ लगभग एक दिन में 2-3 बार ही। 5 बार मानते हैं, ठीक है। तो 5 × 31 कितना हुआ मनीष? 5 × 31 मनीष के अंदर डाटा नहीं है, इसका डाटा मैं डिलीट कर दिया। इसको तो देखो तो नहीं डर लगता, ये तो मेरे साथ ही रहता है, लगभग 12 घंटे मेरे साथ ही रहता है। 155 गुना में एक महीने का है 72। ये देखो इतना तो डाटा चौरास्ते से दूर रहने का आ गया। और ये इसे डूइंग का कम होगा, ये चढ़ाना या ये कितनी बार करते हो? कोई होगा नहीं कर 5-1000 बार किया था सर, एक बार ही किया था। चलो 1000 बार जी मान लेते हैं, डाटा विचारों को भी जोड़ देते हैं। अच्छा ये भूत चिपकना, बीमार हो जाऊंगा, कुछ हो जाएगा, ये कितनी बार डर आता है? ये ज्यादा बार आता है। ये कितना? ये तो दिन में आता होगा, दिन में लगभग सर जब अगर चुराहे पे जाता हूँ और शमशान घाट के पास से जाता हूँ तो मैं इसमें जाता ही नहीं हूँ सर। शमशान घाट से भी डर लगता है सर? लगता तो है सर, वो फिर पास से जाने क्योंकि मैं उधर जाने की वो आदत नहीं है सर, तो फिर उससे तो बचे रहे हैं, तो समझ ले तो शमशान घाट का भी चक्कर लगवा लेते हैं। चक्कर लगवा लाए शमशान घाट का भी? हाँ सर अब तो कर लूंगा। अच्छा कर लोगे? एयरपोर्ट का नहीं शमशान घाट का, वो तो परमानेंट एयरपोर्ट है। वो एक बार जहाज वो उड़ान भर ले फिर वापस नहीं आती है वहां से। तो ये लगभग 5-6, 10-20 बार विचार आता होगा दिन में, 20 मान लेते हैं, 20 गुना में एक कितना हो गया? उधर जाने की जरूरत ही नहीं है तो मैं समझ। हाँ। बस चुराहे का तो खत्म है सर। कोई नहीं, कितना हो गया? 20। अरे 31। छह सौ बीस गुना में 5, क्योंकि 5 तरह के विचार है ना इसमें। 3100 31 होता है, तो 3100 गुना में 72, 2,23,200 ये डाटा है भी आपका। और इतना कि ये डाटा होगा बीमारी वाला विचार आता है तो 2,00,000 ये मान लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास 5-1,00,000 का डाटा है ले दे करके, चौरास्ते वाला भी कितना डाटा है? 5,00,000। तो 5,00,000 डाटा डिलीट करना है। मैं तो हटा ही दूंगा। हाँ पूरा ही हटा दूंगा। तो 5,00,000 डाटा डिलीट करने के लिए या ओसीडी को ठीक करने के लिए दो चीजें करनी होंगी, दो क्या उपाय करने हैं? एक तो गाली थेरेपी और एक ये तो इसमें आ जाएगा, जो दो चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है कि पुराना डाटा डिलीट करना है, नया ऐड नहीं करना। ओसीडी का इलाज इसलिए फेल होता है क्योंकि हम या तो पुराना डाटा डिलीट नहीं करते तो उससे ओसीडी बैक हो जाती है, दोबारा आ जाती है, या अगर डाटा ऐड करना बंद नहीं किया तो ओसीडी ठीक नहीं होगी। तो अब आपने ना तो ऐड करना ना पुराना रखना, दोनों को डिलीट कर डिलीट करना है और नया ऐड नहीं करना, तो फिर परमानेंट क्योर है, ठीक है। तो इसके लिए हम चलते हैं तरीकों की तरफ जिससे ये डाटा डिलीट हो जाए। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने फाइट करनी है, ठीक है। फाइट चौराहे के पास जाना है, चौराहे के ऊपर जाना है, वहां धुनी लगा के बैठ जाना है, तो क्रिएट करना है, ठीक है। यहां से आ जाएगा जाना है, हाँ चौराहे पर जाना है, ठीक है।
ये ट्रिगर आपने क्रिएट करना है, वो फाइट से शुरू होगा, सबसे ज्यादा इससे डाटा डिलीट होगा। और दूसरा फिर आप करोगे ये, आप विचार को ज्यादा बुलाना है कि आजा भूत साले कुत्ते के मीने चिपक जा, भूत आ रहा, आजा भूत मैं तुझे देख लूंगा, माँ बहन की इसको गालियां निकालनी है, बीमारी का और भूत का विचार ज्यादा बुलाना है गाली के साथ, ठीक है, गाली थेरेपी का यहाँ प्रयोग करना है। और इस डर को बढ़ा करके रखना है, फुल डर को बढ़ा लेना है। पहले तो जैसे डर बढ़ता था जैसे थोड़ा सा डर बढ़ा आप कंपल्शन कर देते थे, या तो अवॉइड करते थे या डूइंग कर देते थे ना, तो अब आपने क्या करना है, फुल रखना है, 10 तक डर को फुल रखना है कि हाँ भूत मेरे तो चिपक ही चुका है, डर को साथ रखना है बिना, हाँ डर को साथ रखना है बिना कंपल्शन करे, बस यही की है, आपने जड़ पकड़ ली, कमाल है आपकी चेतना। मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप वो समझ जाते हो जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा, बहुत बड़ी बात है। तो डर के साथ रखना है, भूतों को चिपका के रखना है, हाँ मैं तो बीमार ही हूं, इस डर के अंदर ही जीना है, भूत भगवान सबको चिपका के रखना, हाँ सबको लपेट के रखना है, जैसे अभी आपने पैर के मूर्ति को बांध के रखा हुआ है, भूत की पिक्चर, हाँ भूत की पिक्चर चिपका के रखनी है जैसे एक पैर में मूर्ति एक में भूत की मूर्ति साथ रहेंगे, तो घर जाओगे देखोगे अरे अरे इसको तो जोधपुरिया के पास ठीक होने के लिए भेजा था, इसको तो पूरा ही बीमार कर दिया पहले तो हमें शक था कि कोई गड़बड़ी है, अब शक यकीन में बदल गया तो मेरे पास आने के खतरे भी हैं, इसलिए लोग आते नहीं है, मेरे पास वही आता है जो खतरों का खिलाड़ी होता है, सामना करना जैसे आप होते हो, योद्धा यहाँ आते हैं, कमजोर आते ही नहीं है, भगोड़े तो यहाँ आते ही नहीं है, पिछली बार आया था मैं कर नहीं पाता था, हाँ पिछली बार में और इस बार में बड़ा अंतर है, मैं हाथ नहीं लगाता था गोपियों को, हाँ दस्ताने पहन के रखते थे सर, वो तो सर सर्दी की वजह से पहन, अच्छा सर्दी अभी भी पहनता हूँ, फिर निकाल ही आया अब तो, हाँ सही बात है, एक साल हो गया आपको आए हुए, एक साल 16 से 21 था सर, हाँ वो पहली वर्कशॉप थी गीता की, गीता कोर्स लॉन्च ही किया था उसी के लिए याद है सारा सर, हाँ सर पता भी नहीं चला एक साल कब चला गया, हाँ तो अब तो एक साल हो ही गया, हाँ चलिए कोई बात नहीं, तो अब आपने डर को साथ रखना है, हाँ पूरा करके रखना है और सामना करना है 100%, हाँ 100% सामना करना है, और गाली निकालनी है, आजा भूत साले कुत्ते कमीने, इस भूत की तो वाट लगा देनी है, ठीक है, और ये स्टॉप कर देना है, आ से पंडित शास्त्री के पास बिल्कुल नहीं जाना है, कुछ नहीं चढ़ाना, अलबत्ता चढ़ावा भी उठा लाना है, बीमार होंगे तो डॉक्टर के जाना है, हाँ और जो टूने पर सामान दिखे, चौरास्ते पर सामान दिखे वो सारा समेट के ले आना, जैसे मैं गाड़ी में रख के ले आता हूँ, मैं और मनीष तो सारा सामान उठा लाते हैं, ठीक आपने भी ऐसा ही करना है, मतलब और ये फाइट होगी, लात मार के आऊंगा, लात मार के भी आना है और उठा के भी लाना है, और मुझे वीडियो बना के भी भेजना है, ठीक है, अभी तो कोई त्योहार नहीं है जब बनाऊंगा, हाँ जहाँ जाते देख लेना चौरास्तों पर कहीं तो मिल ही जाएगा कुछ, तो इससे डाटा डिलीट हो जाएगा, तो अभी हम चलेंगे डाटा डिलीट करने, हाँ सर कल त्योहार है घर कर रखा होगा, हाँ हाँ तो अब हम जाएंगे क्रिएट करेंगे, ठीक है चौरास्ते पर जाएंगे, गाली निकालते हुए चलोगे, फुल गाली निकालते हुए जाएंगे, डर का सामना करते हुए जाओगे, ये स्टॉप हो गया, ये तो हम फाइट कर ही रहे हैं, ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं कितना डाटा आप डिलीट कर लेते हो, अगर आपने पूरा शिद्दत से कर लिया तो 4 लाख डाटा, समझ लो सर कर लिया मैंने तो, हाँ आप तो कर ही लिया 4 लाख डाटा डिलीट, 1 लाख बचेगा वो घर जाके कर लोगे, वो भी गायब, आप पूरे ठीक हो गए 100%, तो इसमें कोई पूछने वाली बात, बस समझ लिया मुझे डर के साथ रहना है तो, हाँ डर नकली है, डर नकली है 100% नकली, दोस्त है वो नकली दोस्त अच्छे नहीं होते, हाँ नकली दोस्त छोड़ देने हैं, ऐसे नकली डर भी छोड़ देना है, नकली डर को बाय बाय कह दो, असली जिंदा दिल लोगों के साथ रहो, नकली लोगों के साथ नहीं, मरे हुए लोगों के साथ नहीं, असली जिंदा लोगों के साथ रहो, ठीक है, कुछ पूछना तो फिर, अब तो मुझे एक्सपोजर करना, एक्सपोजर करना है फिर चलते हैं अपन, तो पता है मेरे को सब, बस अभी पहले खेतारसिस कर लेते हैं फिर एक्सपोजर करने चलेंगे, ओके चलिए।
मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।